सांसद अनुराग ठाकुर हमीरपुर में एबीवीपी के मिशन साहसी के कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे और इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने छात्राओं को स्किल डेवलपमेंट और पढ़ाई के दौरान बाधाओं को दूर करने के लिए आह्वान किया। अनुराग ठाकुर ने छात्राओं को अत्याचार और समस्याओं का डटकर सामना करने के लिए जागरूक रहने की बात कही। छात्राओं को, बेटियों को मजबूत बनाने के लिए, साहसी बनाने के लिए और मिशन साहसी में जिस तरह से उनको प्रशिक्षण दिया गया है सेल्फ डिफेंस का, वो एक बहुत अनूठी पहल है, बहुत स्वागत योग्य कदम है कि बेटियों को मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत और साहसी बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विद्यार्थी परिषद को मैं बहुत बधाई देता हूँ। पूरे देश भर की लाखों छात्राएं इसमें काम कर रही हैं, प्रशिक्षण ले रही हैं, मजबूत और साहसी हो रही हैं। मैंने कहा है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में और जगह भी ऐसा अभियान चलाया जाए और हम अपनी यहाँ की बेटियों को मानसिक शारीरिक तौर पर स्वस्थ और सशक्त बनाएंगे। राम मंदिर मुद्दे पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस मामले में जल्द निर्णय आना चाहिए और विलम्ब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चली जाती है लेकिन निर्णय नहीं आते हैं। समाज से जुड़े विषयों का निर्णय जल्द होना चाहिए ताकि इनका लाभ लोगों को मिल सके। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोग 3 दशकों से निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है जल्द निर्णय आए, इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में एक ये हो गया है कि एक पीढ़ी चले जाती, दूसरी पीढ़ी चले जाती लेकिन निर्णय नहीं आ पाते, तो कहीं ना कहीं लोग इंतजार कर कर के थक जाएं और फिर कदम उठाने पर मजबूर हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज से जुड़े हुए विषयों पर निर्णय आए। और मुझे लगता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल्द निर्णय आए तो उसका लाभ मिलता है। लोग बड़े वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, 3 दशक पूरे होने जा रहे हैं। प्रदेश के जनमंच पर कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर सांसद अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस कभी जनता से जुड़ी ही नहीं और जनता से दूरी बनाकर रखी है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बना है और जनता का दर्द समझता है, जिस पर कांग्रेस को एतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि जनता सब्र करे, कांग्रेस के रुकवाए कामों को भी बीजेपी अमलीजामा पहनाएगी। देखिए, कांग्रेस कभी जनता से जुड़ी नहीं, राजा महाराजाओं को चुनकर जनता से दूर रहते हैं, जनता की मजबूरियों को समझते हैं। आज अगर एक गरीब परिवार का बेटा मुख्यमंत्री बना है और जनमंच के माध्यम से आम जनता को लाभ पहुंचाना चाहता है, उनकी समस्याओं को दूर करना चाहता है, तो आज भी कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। हम जनता के साथ खड़े हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, थोड़ा सब्र बरते हैं। जो प्रोजेक्ट उन्होंने रुकवाए थे हमारी सरकार ने आकर चलाने शुरू किए और जो समस्याएं उन्होंने जनता के लिए खड़ी की थी, हम उनका समाधान कर रहे हैं।